डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक है कतर एयरवेज असेसमेंट डे इंटरव्यू। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार कतर एयरवेज के असेसमेंट डे में कौन कौन से राउंड्स होते हैं, उन्होंने हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसकी ये दूसरी वीडियो, मेरी पहली वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी चेक कर लेना। ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ सेम टॉपिक को लेकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा एक बार फिर से मैं इस वीडियो को कवर जरूर करूँ। तो आपको आता है एक मेल और आपको नेक्स्ट डे रिपोर्ट करना पड़ता है 9 o'clock सेम बिजनेस फॉर्मल बिजनेस अटायर में। सो आप वहाँ जाते हो तो वो एक बैच देते हैं पर नंबर वाइज 1, 2, 3, 4 करके, और वो आपको एक हॉल में ले जाते हैं और बैंकवेट में, एक होटल के बैंकवेट में ही आपको बैठाएंगे, और फिर वो 15 मिनट्स अपने कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ें बता दें कि कतर इज सर्विंग 136 डेस्टिनेशन, मोर देन 150 डेस्टिनेशन राइट नाउ कतर भी सब करती है, और ये उनके ये हैं, वो अपना नाम चल अपना नाम आपको बताएंगे, उन्होंने उनकी अपनी बैकग्राउंड बताएंगे, उन्होंने कैसे कतर एवेज को ज्वाइन किया, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग कतर एवेज, द सैलरी ऑल एंड दैट, ये सब बताएंगे। आफ्टर दैट 30 मिनट्स बाद उनकी होती है, पहली राउंड होती है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने के लिए यार लोग बोलते हैं कि यार बहुत लोगों का इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं होता है, तो गाइस बेसिकली मेन रीज़न ये है ना कि इंग्लिश टेस्ट इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि उसमें आती है एविएशन लैंग्वेज, एम्बार्क, डिसम्बार्क। उसमें होता ये है कि पहले कतर एयरवेज की कॉम्प्रिहेंशन रहती है, जिसको रीड आउट करके 6 क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको एक सही आंसर को टिक करना है। आफ्टर दैट 20 एक कॉन्वर्सेशन होता है एक कस्टमर और कैबिन क्रू का, उसको आपको फिल करना है। लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहते हैं अराउंड कि यार आप बुकेट से फ्लाइट लेके उड़ रहे हो तो आप दोहा पहुंचोगे तो व्हाट इज़ द टाइम, इंडिया की वर्ल्ड से इतने कैबिन क्रू काम करते हैं तो एशिया से पर्टिकुलरली कितने कैबिन क्रू काम करेंगे, एंड थर्ड क्वेश्चन था कि इफ कैबिन क्रू वर्किंग इतना तो उसने अगर ओवर टाइम किया तो उसके इंसेंटिव कितने होते हैं, ये वो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके, तो आपको एक टिक करना है। 3 ऑप्शन आएंगे, आपको एक टिक करना है। लेकिन तो मेन बेसिक ये होता है ना कि हम इंडियंस होते हैं और मैक्सिमम हम एविएशन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो अगर आपकी इंग्लिश मॉडरेट है ना तो आई चांसेस आर मोर कि आप उस टेस्ट को क्लियर कर लोगे, बिकॉज बहुत बार होता है कि लोगों की इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं होती है, सो वो थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार हमारी इंग्लिश सही है, स्टिल हमने इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, ऐसा क्या हो गया हमसे। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, बस हाँ ये एक एविएशन लैंग्वेज है जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं पढ़ते तो इसीलिए हमें नहीं पता होता, बट कोई नहीं, अगर आप एक दो बार इंटरव्यू दोगे, अगर आप उस राउंड के लिए पहुँचते हो ना तो आपको खुद समझ में आ जाए कि हाँ इस बार अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो ठीक है, उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं 30 मिनट्स में, वो आपको चेक करके दे देंगे। उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए मूव करते हैं और बाकी कैंडिडेट को वो थैंक यू वेरी मच बोलते हैं और आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड होता है स्कार्स मार्क उस राउंड, उसमें होता है कि कतर एयरवेज के एचआर बैठे रहेंगे, आपको एक एक करके अंदर आना है, वो आपके स्कार्स और मार्क्स के बारे में पूछेंगे कि डू यू हैव दिस और यू हैव टैटू, विजिबल टैटू, ये वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां से एक एडवांटेज ये होता है ना कि मैक्सिमम टाइम अगर आप की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्लीजिंग है ना, और आपको कोई स्कार्स मार्क्स नहीं है ना, तो वो कभी कभी होता है एचआर कि वो आपको डायरेक्ट इन्वाइट करते हैं कि यू आर डायरेक्ट कमिंग फॉर द पीआई, वो आप को उसके बाद कोई आपको इंटरव्यू राउंड फेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पीए में आ सकते हो। तो कई बार ये एडवांटेज मिलता है बहुत सारे कैंडिडेट को, बट सबको नहीं मिलता, एक दो को ही मिल पाता है। उसके बाद जो वहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं उसके बाद वहाँ से कुछ रिजेक्ट होके निकल जाते हैं। थर्ड राउंड होती है आपकी पिकअप, उसमें बहुत सारी टॉपिक्स रहेगी, आपको एक टॉपिक उठाना और आपको उस पर अराउंड 1 मिनट बोलना है, वो आपका बस कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, वो आपको किसी चीज़ पर जज नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि जब आप 10 लोगों के सामने हेजिटेट तो नहीं कर रहे हो बोलने में कि यार मुझे मैं कैसे बोलूँ ये वो, तो बस आपका कॉन्फिडेंस मोरल चेक करते हैं कि आपका मोरल कितना हाई है। सो गाइज डोंट वरी, अगर आपके साथ ये सिचुएशन आए तो प्लीज़ डोंट वरी, जो आपको सही लगे आपको ही बोलो। ठीक है, फोर्थ राउंड होती है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में वो एक ग्रुप बना देंगे, आपको एक टॉपिक देंगे और आपको उसके अगेंस्ट बोलना है और आपको उसके साथ बोलना है, तो चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में वो आपको गलत सही पे जज नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में वो आपकी आपकी थिंकिंग पे जज करेंगे कि आप क्या सोचते हो। अगर आपके पास आप कोई प्रेशर वाली सिचुएशन हो गई तो आप उस सिचुएशन में पैनिक तो नहीं करोगे, आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाओगे कि नहीं, ये चीज़ वो देखते हैं। तो अगर आप
मैं तो बोलूंगा कि यार आप ज्यादा शाउट मत करना, अपनी बारी का इंतजार करना। अपने अगर आपकी अपनी कलीग की टॉप टॉप पॉइंट सही लगती है तो आप उसको भी बोलना कि आई अग्री विथ माई कलीग इज राइट एंड आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई बिलीव दैट वी इफ वी गेट दिस सिचुएशन वी कैन क्लियर इट। तो अगर आप ऐसा कुछ बना के बोलते हो तो चांसेस है मोर कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपने जीडी भी क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद आता है ग्रुप टास्क। उसमें वो तीन चार कैबिन क्रू, मतलब वो एक वो फ्लाइट को एक फ्लाइट बना, मतलब एक फ्लाइट का शेप दे देते हैं। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि एक फ्लाइट है, आप एक कैबिन क्रू, तो आपको ये सिचुएशन मिला है तो आपको उसको काम करना है। तो वो देखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई सिचुएशन मिलती है आप उसको कितना ओवरकम, आप पैनिक तो नहीं कर रहे हो, आप ओवरकम तो नहीं कर रहे हो, आप कितना अच्छा उसको हैंडल कर रहे हो, तो ये चीज़ वो देखते हैं। अगर आपने उस चीज़ को भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आता है लास्ट द फाइनल राउंड पी आई। पी आई मोस्ट ऑफली चांसेस ये रहते हैं कि पी आई वो उसी दिन ले लेते हैं, बट नहीं तो अब वो थर्ड डे के लिए आपको बुलाते हैं। पी आई में एक्चुअली होता है 15 मिनट्स की एक पी आई होती है, 15 to 20 मिनट्स की वो पी आई लेते हैं, जिसमें वो आपके नाम, घर वालों के हो, चीज़ें पूछते हैं, योर बेस्ट थे मोमेंट्स, आपके कोई बैड मोमेंट जिसमें आप बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, आपने कैसे उसको ओवरकम किया, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपकी बुराई, आप होम सिक तो नहीं हो, अगर आपको कतर दोहा आना पड़ा तो आपको ये तो नहीं होगा कि आप घर के लिए आपको याद आएगी, ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बट एक्चुअली बिलीव मी गाइस, पी आई बहुत ही ईजी होती है। बस कोशिश ये करना है कि आप अपने एचआर को आप अपने गुड पॉइंट्स पे ही लेके रखो, उनको अपनी बैड पॉइंट्स पे क्वेश्चन आने नहीं दो कि आप ऐसी कुछ बातें बोल गए जिस पे एचआर को एक टॉपिक मिल गया जिस पे वो आपको क्वेश्चन कर गए। तो ऐसा कोशिश नहीं करना है, कोशिश यही करनी है कि आपकी गुड पॉइंट जो हो ना, जितनी भी आपकी अच्छी चीज़ें हों आप उस पर बात कंटिन्यू करो और आपकी पी आई बहुत अच्छी निकले। ठीक है, अगर आफ्टर पी आई में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो स्टिल गाई चांसेस आर वेरी, अगर ये कन्फर्म नहीं है कि यू आर सेलेक्टेड, बिकॉज इन एचआर के बाद दोहा में भी एचआर बैठे हुए हैं जो आपको कुछ 10 दिन के बाद अगर आपके सेलेक्ट हो जाते हो पीआई में, तो आपको 10 दिन के बाद एक मेल आती है कि आई यू आर सेलेक्टेड, टू सेंड अस योर फोटोग्राफ्स और फुल बिजनेस अटायर। उसमें ये मेंशन रहेगा कि आपको कैसे कैसे कपड़े पहनने और कैसे कैसे आपको पोज करनी है और कैसे आपको फोटो क्लिक करवानी है और आपको उनको वापस चीज़ वो फोटोज़ मेल करनी है। वहाँ के एचआर ये डिसाइड करते हैं कि आपको लेना है या नहीं, क्योंकि वो उनका लास्ट माइंड थर्ड ऑफ माइंड रहता है कि इन्हें लेना है या नहीं। अगर आपने वहाँ पे वो अगर आपको वहाँ से लेटर कॉल आ जाता है तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो जाते हो। सो गाइस यही कतर एयरवेज की असेसमेंट डे की फुल राउंड्स होते हैं जो मैंने भी फेस किए हैं। सो गाइस मैं आपको वो बोलूँगा कि सिचुएशन बहुत कामली हैंडल करो, नहीं होता है तो वो नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है कि यार मेरा नहीं हुआ, मैंने कोशिश कोशिश करना अपने ऊपर है, होना ना होना अलग बात है, कोशिश करेंगे सीखेंगे, आज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल परसों नहीं तो तरसों, हम तो सीख कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे, अपनी हमारी गलती ही हमें सिखाएंगी। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यार प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़।